पुलवामा आतंकी हमले और जत्था नहीं होगा शामिल। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहे एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। अभी प्रदेश की जनता सफाया कर देगी। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा और आप प्रधानमंत्री बने ये उपलब्धि है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी फिल्मों के एक्टर की तरह लटके छटके करते हैं, फिल्मों जैसी एक्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी बॉलीवुड के लायक हैं, अगर मोदी फिल्मों में जाते तो देश दुनिया में छाप छोड़ते। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही कहा जाता है, मोदी अगर दोबारा जीत गए तो पता नहीं चुनाव होंगे कि नहीं। एयर स्ट्राइक से मोदी के पक्ष में कोई माहौल नहीं बदला है, माहौल पक्ष में होने की बात आरएसएस वाले फैलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी मन की बात नहीं करते, वे अपने मन की बात थोपते हैं। मोदी को हटाना जरूरी है, मोदी जब हटेंगे तो लोग सेलिब्रेट करेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि विगत भाजपा के शासन में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई थी और सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना को पंगु बनाने का काम किया गया था, जिसके चलते आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि सम्मेलन में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष महरिया, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, फतेहपुर विधायक हाकम अली सहित कई नेताओं ने संबोधित किया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।